खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेजसर। जिले के मनरेगा मजदूर अपने अधिकारों के लिए अब आवाज मुखर करने लगे हैं। सरकार और प्रशासन की नीतियों के खिलाफ मनरेगा मजदूर संघ के कर्मचारी और अधिकारी हर ब्लॉक पर लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी में मनरेगा ही एकमात्र गांव के लोगों का सहारा है और पर्याप्त काम न मिलने की वजह से मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। इसलिए 7 सूत्री मांगों को लेकर मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी लगातार धरना देकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। मनरेगा मजदूरों ने मांग की कि मजदूरों को वर्ष में 200 दिन का काम मिले, मजदूरी भी 400 रुपए प्रतिदिन की जाए, राज्य गारंटर परिषद का गठन कर शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी मनरेगा में व्यवस्था करने की मांग को लेकर मनरेगा मजदूर संघ ने बनकटी विकास खंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। 7 मांगों का ज्ञापन मनरेगा मजदूर संघ ने प्रभारी BDO अरुण कुमार पांडे को सौंपा। मनरेगा मजदूर संघ ने जिला अध्यक्ष हेमराज मिश्रा की अगुवाई में बनकटी ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर साथियों को संबोधित करते हुए मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती और मजदूरों को 15 दिनों के अंदर कार्य नहीं दिया जाता है तो हम लोग वृहद आंदोलन को बाध्य होंगे। इकट्ठा होने का हमारा यही कारण था कि हमारे जो मनरेगा श्रमिक भाई हैं उनके साथ हनन और बिचौलिए पैसा खाते हैं और जो 100 दिन का रोजगार का जो वादा था आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ है, जिसका पूरा हुआ है जो प्रधानों से सटे हुए, और मैं यही चाह रहा हूं कि उनको कम से कम 100 दिन का जो रोजगार जो वादा किया गया वो मिले और उनको उनकी मजदूरी सही टाइम से मिले। अगर नहीं मजदूरी मिले तो उनको बैठकी मिले यानी भत्ता मिले, और इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम उनको 200 दिन रोजगार मिले। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि मनरेगा जो श्रमिक हैं उनको 100 दिन के बजाय 200 दिन काम मिले और मजदूरी उनके इस समय 204 रुपया है, उस पर भी आप लोगों का कुछ विचार जी, है? जी जी जी, वही हम कह रहे हैं, कम से कम उनको 200 दिन काम मिले और 400 रुपये मजदूरी मिले और एक सप्ताह के भीतर उनकी मजदूरी मिले। क्यों इस समय एक सप्ताह के भीतर उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है? आज ही देख लीजिए, जो भी मनरेगा जो मजदूर जो काम किए अभी तक पैसा नहीं आया है। अच्छा, कितना दिन हो गया लगभग? अभी मुझे लग रहा है आज महीनों हो गए हैं। एक एक महीने तक उनका परिश्रमिक नहीं आया है, जबकि राज्य सरकार ये चाहती है एक सप्ताह के अंदर उनका पेमेंट किया जाए, इस पर वो लगी हुई है। अब आपके साथ में कौन है राष्ट्रीय? ये हमारे जिला सचिव हैं, बस्ती जिला सचिव। सचिव महोदय, आप ये बताइए मजदूरों के बीच में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, मजदूरों के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है सर, कि लोग बागों को पहले जानकारी नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं इनको उतनी जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, और उस नॉलेज के लिए हमारा ये मनरेगा मजदूर संघ जानकारी सुझाव और उनके नियम कायदे कानून हक के बारे में अधिकार के बारे में ये सब कुछ उनको जागृत किया जा रहा है, क्योंकि